बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी क्रंची बर्गर। बर्गर बनाने के लिए हमने ले लिया चिकन। चिकन मैंने 1 kg लिया है। इसको मैंने ब्रेस्ट पीस लिया, थाई पीस नहीं लिया, क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो थाई नहीं पसंद करते, इसलिए मैंने ब्रेस्ट पीसेस लिए हैं। इसको मैंने इस तरह स्लाइस में कट कर लिया है। इसके साथ हमने ले लिए ब्लैक पेपर 1 tablespoon, साथ में रेड फ्लेक्स 1 tablespoon, नमक 1 tablespoon, इसके साथ हमने ले लिया मैदा, साथ में हमने सिरका 2 tablespoon, सोया सॉस 2 tablespoon, चिली सॉस हमने लिए 2 tablespoon, और इसके साथ हमने ले लिए लहसुन, कुछ सलाद के पत्ते हैं, बंद गोभी है और बर्गर है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट करना है। इसमें हम ये सॉसेस शामिल करेंगे और लहसुन शामिल करेंगे। ये हम शामिल कर देंगे, चिली सॉस हमने शामिल किया है, सोया सॉस, साथ में सिरका, लहसुन, इसके साथ हम ब्लैक पेपर, नमक और सुरख मिर्च ये शामिल कर देंगे। ये सब शामिल करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सब मसाले हमने अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर दिया। अब हम इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। 2 घंटे हो चुके हैं, अब हम इसको फ्राई करते हैं। सबसे पहले हमने चिकन का एक पीस लेना है। इसको हमने इस तरह मैदे के अंदर अच्छी तरह से कोट कर लेना। मैदे में हमने कुछ भी शामिल नहीं किया है, कोई भी चीज़ हमने इसमें शामिल नहीं की है। इसको अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम ये देखें, इस तरह इसके क्रम्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब हम इसको पानी में शामिल करेंगे। पानी में शामिल करने के बाद इसको फिर से हम इस तरह मैदे में शामिल करेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको मैदे के अंदर, ताकि इसमें अच्छी तरह से क्रम्स बन जाए। ये देखिए, इस तरह ही हम सारे चिकन के पीसीस को अच्छी तरह से मैदे में कोट कर लेंगे, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें इसमें कितने ज़बरदस्त क्रम्स आ चुके हैं। मैंने सारे पीसीस को अच्छी तरह से, ये देखें किस तरह सब पीसीस में क्रम्स आए हुए हैं। ये सब मैंने तैयार कर लिए हैं, तो अब हम इनको फ्राई करते हैं। ऑयल मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें हमने ऑयल शामिल किया। ये हमने एक कढ़ाई ली, इसमें ऑयल शामिल किया। अब हम इसमें, ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ये पीसीस शामिल करेंगे। इसमें देखिए कितने ज़बरदस्त इसमें क्रंच आए। चिकन पीस हमारे जो है बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। चिकन, हमारे चिकन पीसेस बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। अब हम बन ले लिए, इस पे हमने मेयोनीज लगाई है। इस तरह हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस पे हम थोड़ी सी बंद गोभी लगाते हैं, साथ में हम ये चिकन का पीस रखेंगे। इस पे हम थोड़ी सी केचप शामिल करेंगे। ये शामिल करके इस तरह हम इसको इस तरह इस पे हम इस तरह सलाद पत्ता रखेंगे, साथ हम ये चिकन का पीस रखेंगे।
आहिस्ता, ये बर्गर हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए कितना ज़बरदस्त क्रंची मज़ेदार सा बर्गर हमारा तैयार हो चुका है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी, बहुत ही जल्दी बन जाने वाला है। और घर में साफ़ सुथरा बच्चों को बना के दें तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। इस तरह हम सारे बर्गर्स को तैयार कर लेते हैं, फिर हम आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्रिस्पी क्रंची बर्गर तैयार हो चुके हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।